बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आप जो भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, जरूरी नहीं है हर आदमी को जीडी बख्शी बनने की जरूरत हो कि आप जब तक फौज में नहीं जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अंकुर शर्मा तो बन सकते हैं, आप आर्य सिंह तो बन सकते हैं, ललित अंबरदार तो बन सकते हैं, सुशील पंडित तो बन सकते हैं। लोग जिनको यह समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इस देश में क्या बदला है, मैं जानता हूं क्या बदला है। पंडित जी आपको याद होगा वो मुनाफिक वो मक्कार जो आपकी जम्मू कश्मीर असेंबली का सदस्य भी रहा है और भारत के संविधान के तहत सारी फैसिलिटीज लेता है, आपको मालूम है पार्लियामेंट के बराबर में क्या कह के गया था? और मुझे मालूम है कि आप में से पूरे देश में कोई नहीं हुआ, पंडित जी गए थे उसके खिलाफ FIR कराने के लिए। ये बदला है टेलीविजन पे ललित अंबरदार जैसे लोगों ने, सुशील पंडित जैसे लोगों ने, आर एस सिंह जैसे लोगों ने। ये जो जिहादी आते हैं ना, ये हार्डकोर नट जिहादी टेलीविजन पे बैठते हैं, कोई हैदरी के नाम पे आता है, कोई बाबरी के नाम पे आता है, इनको सरे बाजार नंगा करते हैं ये लोग। इसलिए डर लगता है अब लोगों को दिल्ली में, इसलिए अब नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा है, इसलिए आमिर खान को डर लगने लगा है।